आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। क्राइम ब्रांच की टीम ने मोस्ट वांटेड हथियार डीलर को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी पूरे भारत में अवैध हथियार बेचने और बनाने का काम करता था, जिसे अब पुलिस ने मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि ये शख्स गुजरात और मध्य प्रदेश में अवैध रूप से हथियार बेचते हुए पाया गया था। बताया जा रहा है कि आरोपी अहमदाबाद में 7 से ज्यादा और गुजरात में 20 से ज्यादा अपराध कर चुका है। पिछले 25 सालों से यह आरोपी इस गोरख धंधे में लगा हुआ था। इसका नेटवर्क गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा के साथ साथ यूपी जैसे राज्यों में भी फैला हुआ था। पुलिस के पूछने पर उसने बताया कि उसके सिर पर जितने बाल हैं उससे कहीं ज्यादा हथियार वो बेच चुका है। आपको बता दें कि अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने फरार अपराधियों को पकड़ने के लिए 50 पुलिस कर्मियों की एक टीम बनाई है और यह स्पेशल ऑपरेशन 10 फरवरी तक चलाया जाएगा, जिसका सुपरविजन क्राइम ब्रांच के ACP DP चुरासमा कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो कि राज्य में इस मंथ में मेहरबान DGP श्री एंड मुख्य पुलिस अधिकारी की ओर से एक जो वांटेड एक्यूज है उसको पकड़ने की एक ड्राइव चल रही है। अभी भी इस ड्राइव में 9 दिन बाकी है, मतलब एक वीक बाकी है। तो इस ड्राइव के दरमियान पुलिस कमिश्नर श्री अहमदाबाद शहर की पूरे सुपरविजन में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने जो 50 टीमें बनाई थी, अलग अलग टीमें हर पुलिस स्टेशन वाइज, उस टीम में से अलग अलग जो आरोपी बाहर राज्य के बाहर के आरोपी को पकड़ने में जो जुटे हुए थे, इसमें से ईसनपुर PSI KM चावड़ा को अपनी इन्फॉर्मेशन से और मतलब क्राइम ब्रांच के पूरे बैकअप से एक इन्फॉर्मेशन मिली कि ये जो आर्म्स का बड़ा डीलर है जगत सिंह सरदार, जो काफ़ी गुनाहों में आगे पकड़ा गया है और भी मतलब अंतर्राज्य गुनहगार हैं और काफ़ी गुनाहों में पकड़ना बाकी है, तो बातमी के हिसाब से उसको उसके गांव के नज़दीक धार से मनावर से पकड़ लिया है। आरोपी इंडियन हिट हैंडमेड पिस्टल बनाता है और काफ़ी मतलब क्राइम ब्रांच में 7 गुना में वांटेड है। राज्य के अलग अलग पुलिस थानों में 20 से ज़्यादा गुना में अभी भी वांटेड है और किसी भी अलग पुलिस स्टेशन में वांटेड है कि नहीं इसके लिए अपने क्राइम ब्रांच से अभी मैसेज ब्रॉडकास्ट करवाया है। जो जगत सिंह खुद पिस्टल बनाता था वो अपने गांव से नज़दीक जंगल में बनवाता था और मार्केट में वो 5,000 से शुरू करते, अगर अच्छी पिस्टल है मतलब थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है तो उसको 10,000 में बेचता था। ज़्यादातर इसके गुना पिस्टल जो सप्लाई करता था राजस्थान, गुजरात, MP में खुद और महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली तक इसका एरिया है। वो हैंडमेड पिस्टल बनाता था, पिस्टल और देसी कट्टा बनाता था। हाँ, वो हैंडमेड होता है।